मैं यूईसी न्यूज हूँ। मैं उज्जैन अभियांत्रिकी महाविद्यालय का निष्पक्ष समाचार स्रोत हूँ। मैं क्रांति का बिगुल हूँ। मैं सत्य हूँ। मैं एक संदेशवाहक हूँ। मैंने सेवा का संदेश दिया। मैंने कला प्रोत्साहन का संदेश दिया। मैंने साहित्य का संदेश दिया। मैंने योग का संदेश दिया। मैंने प्रतिभा का संदेश दिया। मैंने महाविद्यालय की भव्यता का संदेश दिया। मैंने शिक्षकों की आत्मीयता का संदेश दिया। मैंने प्राचार्य की सरलता व सहजता का संदेश दिया। आज मैं मेरे एडमिन का संदेश दूंगा। नमस्कार, मैं इंस्टाग्राम पेज यूईसीयू न्यूज और 15 अगस्त से अस्तित्व में आया यूट्यूब चैनल यूईसी जर्नलिज्म को नियंत्रित करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पहली पोस्ट प्रोफेसर अप्रतुल चंद्र शुक्ला सर के एक लेख की है, जिसमें सर द्वारा लिखे गए शुरुआती शब्द थे, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू आर्ग्यूएबली मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। अंत में सर ने अपने लेख में लिखा, द पेंडेमिक 19 हैज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट द सॉल्यूशन इन डिफरेंट वे। सर ने शुरुआत में एक चिंता जाहिर की व आखिरी में एक अवसर की बात की। मैंने सोचा इस समय एक छात्र की क्या चिंता हो सकती है, तो जवाब मिला, परीक्षा, एग्जाम्स। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एग्जाम से संबंधित सारी जानकारियां अपने पेज पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। जानकारियां तो सभी दे रहे थे, तो हम ऐसा क्या कर रहे थे कि छात्र हमसे जुड़ते चले जा रहे थे? यह इसलिए हो रहा था क्योंकि हम हर छात्र के विचारों को अपने पेज पर जगह दे रहे थे। फिर कुछ दिन बाद कॉलेज के एक छात्र पर चाकू से हुए हमले की खबर हमने छापी, तो लोगों से विश्वास नहीं हुआ कि कॉलेज में ऐसी घटना भी हो सकती है। जब किसी ने उसकी चिंता नहीं की, तब हमने उसकी चिंता की। हमने कॉलेज के छात्रों की लेखन प्रतिभा को भी एक मंच दिया। प्रोफेसर AC शुक्ला सर से प्रेरणा लेते हुए हमने कॉलेज के छात्रों से यूईसीयू न्यूज के लिए कॉलम व आर्टिकल लिखने का अनुरोध किया। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एक अनुरोध पर इतना समर्थन मिलेगा। छात्रों ने कई कॉलम व आर्टिकल्स हमको भेजे और यूईसीयू न्यूज ने उनको अपने पेज के माध्यम से कॉलेज के हर विद्यार्थी तक लेखन के महत्व का संदेश पहुंचाया। 21 जून को जब भारत पूरे विश्व को योग का संदेश देता है, तो हमारा गेसू इसमें पीछे कैसे रहता? यूईसीयू न्यूज के माध्यम से हमारे कॉलेज के छात्रों ने भी संपूर्ण विश्व को योग की महत्वता का संदेश दिया। 16 जून की शाम कॉलेज के ही एक विद्यार्थी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसको आईसीयू में तक कई दिनों तक रहना पड़ा, पर किसी को इस बात की परवाह नहीं, क्योंकि किसी को इस दुर्घटना की जानकारी ही नहीं थी। पर जब हमने यूईसीयू न्यूज के माध्यम से इस घटना की जानकारी दी, तो एकदम से सहानुभूति व मदद के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। इस घटना ने गेसू के छात्रों की मानवता की तराजू को कई गुना भारी कर दिया। कुछ दिन बाद हमने एक और मुहिम शुरू की, गेसू के किस्से। हम सब इंजीनियरिंग के दौरान घटने वाली अप्रत्याशित घटनाओं से परिचित हैं, तो हमने छात्रों से उन्हीं घटनाओं को साझा करने के लिए कहा और इन्हीं घटनाओं को नाम दिया, गेसू के किस्से। यूईसीयू न्यूज ने कॉलेज की राजनीति कर रहे छात्र नेताओं की भी बिना डरे बिना घबराए कटु शब्दों में आलोचना की। हमने उनकी मौजूदगी व उनके संगठनों कि कॉलेज में करने वाले हो हल्ला का भी विरोध किया। इस विरोध ने यूईसीयू न्यूज व मेरे व्यक्तिगत कई सारे विरोधी पैदा कर दिए। हमारा विरोध उनकी उपयोगिता पर था, उनकी कार्य प्रणाली पर था, जिसने पिछले कई वर्षों से एक भी छात्र हित का कार्य नहीं किया। साथ ही यूईसीयू न्यूज से सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन उर्फ सती, MITS ग्वालियर, RGPV भोपाल के छात्रों ने भी हमसे उनकी मुहिम व मांगों का समर्थन करने का अनुरोध किया। यूईसीयू न्यूज ने टेक्यू फैकल्टीज की आवाज को कॉलेज के हर छात्र तक पहुंचाने का जिम्मा भी उठाया। हमारे कॉलेज के छात्रों ने ट्विटर पर टेक्यू फैकल्टीज के समर्थन की फौज खड़ी कर दी। यूईसीयू न्यूज ने टीचर्स डे पर दो टेक्यू फैकल्टीज का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया, जिसका मकसद था
उनकी आत्मीयता को जन जन तक पहुंचाना, उनके द्वारा दी जाने वाली जीवंत शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, साथ ही इस फोटो के माध्यम से न्यू एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को भी कड़ा संदेश दिया कि सिर्फ एडमिशन लेने से अच्छा इंजीनियर नहीं बना जाता, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज आना जरूरी है और यदि क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो हमारे गेसू में एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने गणेश चतुर्थी को भी क्विज के माध्यम से वर्चुअली सेलिब्रेट किया, साथ ही अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर छात्रों द्वारा मनाए गए इस ऐतिहासिक क्षण को भी अपने पेज के माध्यम से सभी तक पहुंचाया। UECU न्यूज ने कॉलेज की छिपी हुई कला को भी उजागर किया। हमने हमारे कॉलेज के छात्रों की स्केच पेंटिंग, वॉल पेंटिंग के साथ साथ हमारे कॉलेज के बैंड व फोटोग्राफी स्किल्स को भी समूचे कॉलेज व न्यू एडमिशन लेने वाले छात्रों तक पहुंचाया। यही कारण है कि कई न्यू एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों ने UECU न्यूज से संपर्क किया। हमारा मकसद था न्यू एडमिशन होने से पहले कॉलेज की आवो हवा व एक मॉडर्न इमेज बच्चों के समक्ष पेश करें ताकि कॉलेज में आने वाले छात्र भी उसी नज़रिए के साथ कॉलेज में एडमिशन लें। और पिछले 4 महीनों से हम यही कर रहे थे, तभी 700 से अधिक छात्र हमसे स्वयं जुड़े और एडमिन की पहचान जाने बिना कई विद्यार्थियों ने हमारी वीडियोज़ को अपनी आवाज़ दी, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और देखते ही देखते UECU न्यूज मैं से हम बन गया। पर कुछ दिन पहले प्रचार्य ने 4 महीने पहले बनी UECU न्यूज व सिर्फ 1 महीने पहले बनी UEC जर्नलिज्म की पुलिस शिकायत कर दी। आदरणीय सर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सरलता व सहजता के प्रतिबिंब के रूप में देखता था। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप अपने ही एक छात्र की पुलिस शिकायत कर देंगे। आदरणीय सर, मुझे उम्मीद थी कि एक शैक्षणिक पिता के नाते आप मुझे आशीर्वाद देते और कहते, बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पर आपने इसकी बजाय साइबर सेल को एक प्रिंसिपल के हस्ताक्षर करते हुए शिकायत कर दी। सर, मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि यह शिकायत मुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती, पर आपको शैक्षणिक पिता मानते हुए मैं आपके आदेश का पालन करूंगा व कुछ अवधि के लिए पेज व चैनल बंद कर दूंगा। आदरणीय सर, हमारी एल्यूमिनी कम्युनिटी व कॉलेज के सम्मानित शिक्षकों से हमारा अनुरोध है कि कॉलेज का एक खुद का मीडिया हाउस होना चाहिए जो सेमिनार हॉल में दिए जा रहे शिक्षकों के बहुमूल्य ज्ञान को, छात्रों की प्रतिभाओं को, कॉलेज के इवेंट्स को, छात्रों द्वारा की जा रही सेवाओं को एक मर्यादित व सहज ढंग से जन जन तक पहुंचाए और इस मीडिया हाउस को TPO की तर्ज पर ही एक कॉलेज प्रोफेसर हेड करे, थर्ड ईयर का एक छात्र इसका कोऑर्डिनेट हेड हो और प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र इसके एंकर, रिपोर्टर व राइटर हो। जिस प्रकार प्रोफेसर YS ठाकुर सर ने TPO को नए आयामों तक पहुंचाया है, उसी प्रकार हम अपने कॉलेज की गतिविधियों का प्रचार प्रसार कर अपने गेसू को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जय विश्वेश्वरैया।